और एक अवस्था विशेष में पहुंचकर ऐसी अनुभूति प्रत्येक साधक को होती है। फिर भक्त की जो भावना है परमात्मा के प्रति समर्पण, परमात्मा की अनुकंपा का भाजन आज जो है भावात्मक स्थितियां है, इनका क्या महत्व रह जाता है। इस विषय में गोस्वामी जी का अपना एक मत है, सिद्धांत है, मान्यता है, उसे उन्होंने रामायण में दर्ज किया। भगवान राम अनंतता का उपदेश देते हैं अपने परम प्रिय शिष्य मारुति, मारुति भगवान के भक्त ही नहीं है, शिष्य भी। मुक्तको परिषद में इसका वर्णन, या रामायण में भी भगवान राम स्वयं अनन्यता का उपदेश देते हैं भगवान मारुति को। समदर्शी महिका सब गुरु सेवक प्रिय अनन्य गति गुरु, हनुमान मुझे समस्त ऋषिगण समदर्शी कहते हैं, मैं समदर्शी हूं इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे अनन्य गति वाला सेवक अत्यंत प्रिय है। अनन्य गति किसे कहते हैं? भगवान यहां पर अनन्य गति की व्याख्या, सो अनन्य जाकी अस्मति न चले हनुमंत, मैं सेवक सजरा के स्वामी। अनन्यता के अभी तक दो भेद प्रचलित थे, एक नारद के सिद्धांत अनुसार अन्य आश्रयणां त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रयों का त्याग करके केवल प्रभु का ही आश्रय ग्रहण करना अनन्यता। लेकिन एक और अनन्यता का रूप है अहंग्रह उपासना की पद्धति में, जिसमें न अन्य अनन्य, जिसमें अन्य की स्वीकृति ही नहीं है, अन्य का अस्तित्व ही नहीं है। और एक तीसरी और विधा है उसमें न अन्य उपासना की प्रक्रिया में, मैं उससे अन्य नहीं हूं ऐसा। उपनिषद में भी बात हो जाएगी, सदा रामो हम अन्य प्रवदंती ये तत्वतः सदा रामो हम प्रवदंती ये तत्वतः, जो तत्वतः ऐसा हमेशा चिंतन करता करता रहता है सदा रामो हम की। प्रवदंती ये तत्वतः रामो अहम इति सदा तत्वतः ये प्रवदन्ति, रामो अहम। राम तापरी परिषद में रामो अहम कहा गया और इसी को यो सब सब पुरुषो अहम अस्मि, वाजिने संगीता के उसमें सो अहम कहा गया, सो अहम रामोहम सोहम शिवोहम। ये जो वाक्य है ये जीव और ईश्वर की एकता का
अभिन्नता का अवबोधन कराते हैं। ये उपासना की एक पद्धति है, परमात्मा के उपासना की ये पद्धति है। और सांडिल के मत से यही भक्ति है, आत्मरक्षा विरोध है चाहती है। ये एक पद्धति है परमात्मा से अभिन्नता की अनुभूति। जो इस पद्धति से उपासना करता है वो ये स्वीकार करता है कि मैं अन्य नहीं हूं अथवा परमात्मा मेरे से अन्य नहीं है, ना अन्य अनन्य ऐसा। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी जिस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं वो अपने में बड़ा अद्भुत है। सर्वरूप में यदि सर्वेश्वर है या जो सर्वेश्वर है, क्या मेरे रूप में नहीं, मेरे रूप में नहीं, ऐसी भावना जागृत हो सकती है और होती है। जो स्वामी जी कहते हैं अनन्य भक्त को यही सावधान रहने की जरूरत है। न तो अनन्य भक्त को अन्य किसी सत्ता को ही स्वीकार करना चाहिए, परमात्मा से भिन्न कोई और सत्ता है, किसी की और सत्ता है, ऐसी उसकी स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, न विद्या की न अविद्या की। किसी अन्य की सत्ता नहीं है मेरे प्रभु से अतिरिक्त, और केवल चर रूप में ही नहीं, लिविंग बीइंग ही नहीं, सबकी आत्मा के रूप में ही परमात्मा नहीं प्रकट है, तो फिर अचर रूप में भी, वस्तु रूप में भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ऐसे ऐसा विश्वास, केवल व्यक्ति के रूप में ही परमात्मा नहीं है, वस्तु के रूप में भी परमात्मा ही है। ये सब परा और अपरा, ये दोनों प्रकार की प्रकृतियां मेरी अपनी है और मेरे से अभिन्न है। ऐसे जो शास्त्र का भाव रास्ता स्थान शास्त्र मत एव युक्तान सब मेरे से हैं। जब सब कुछ परमात्मा से ही है, उसमें से मैं को परमात्मा से अलग रखना कितना कठिन काम है अनुमान लगाओ। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मेरे अनन्य चरणानुरागी भक्त की दृष्टि में यह चराचर तो अपने प्रभु का स्वरूप है, लेकिन मैं प्रभु का स्वरूप नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? मैं सेवक सचराचर रूप हूं। ये चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है और मैं तो उसका सेवक। यह है सेवक से व्यवहार बिन भव न कर भजी राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। ये सिद्धांत बता, ये सिद्धांत है सेवक से व्यवहार। तो सेवक कौन है? सिर्फ कोई इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ कोई ऐसा परमात्मा नहीं जो केवल साकेत में विराजमान हो या केवल वैकुंठ में विराजमान हो, ऐसा सिर्फ नहीं। सिर्फ वह नहीं जो किसी देश विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में हो, का सिर्फ कौन है? का सत्यराज है। विश्व रूप रघुवंश श्रमणि करो वचन विश्वास। मेरे पत्रकार ने कहा अगजग रूप रूप सीतावर, अग और जग, अजग माने गतिशील और गतिहीन, जड़ और चेतन, ये दोनों मेरे प्रभु का स्वरूप, दोनों रूपों मेरे प्रभु ही है। क्या ये सब स्वरूप है? परमात्मा स्वरूपी है। क्या वह स्वरूप और स्वरूपी का भेद नहीं है? भेद नहीं है। क्यों नहीं भाई? इसलिए
कि वह स्वयं सर्वरूप में अभिव्यक्त हुआ है। स्वयं जड़ चेतनात्मक जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस स्वरूप में वह स्वयं अभिव्यक्त हुआ है। उसे भिन्न कोई तत्व नहीं है जिसको अभिव्यक्त किया है। स्वयं अहम सर्वस्व प्रभु ऐसा बोला। तो संपूर्ण विश्व ये मेरे प्रभु का स्वरूप है, प्रभु ही सर्व रूप में है। राम में सब जग जाने, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। राम ने ये बंदव सबके पद कमल दिखा दिए। जड़ चेतन दोनों स्वरूपों में परमात्मा को स्वीकार करके, परमात्मा ही जड़ चेतनात्मक स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। गोपिकाओं की तरह श्याम कुंजवन यमुना श्यामा श्याम गगन घन घटा सही, केवल जल चेतन में ही नहीं, जल पदार्थों में भी उन्हें श्याम सुंदर किसी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जित देखो इस श्याम में, इसी भाव को भगवान व्यास देव ने कहा, यस्मिन सर्वम यतो सर्वम यह सर्वम सर्वतश्चेत यस्य सर्वयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने। लेकिन इस भावना के साथ भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी अपने को भी उसमें अनुभव करने लगता है, और भक्त के लिए थोड़ी सी सावधानी की बात कही गई, यहां पर भी अपने सिवा और सारा विश्व परमात्मा का स्वरूप है। अपने क्या, अपने क्या है? अपने सेवक, मैं सेवक, बहुत बड़ी बात, मैं सेवक का, मैं सेवक क्यों का? अभी मैं तो सेवक है, मैं जो है वह सेवक है, वो स्वामी नहीं है, मैं सेवक। मैं क्या? मैं है अनुसार व्यक्ति, और जीव दृष्टिया तदंश है, मैं जो है वो अंश अभिव्यक्ति है, और जीवत्व की दृष्टि से वो परमात्मा का अंश है। अंश होने के नाते अंश तो अंशी का सेवक ही होता है, इसमें बिना भी संदेह। इसलिए जब मैं है तब सेवक है, और जहां मैं नहीं है वहां मैं, जहां आया वहां स्वामी और सेवक हो। यदि मैं के साथ ईश्वर हो गया ये तो अनर्थकारी हो जाएगा। ईश्वर हो हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, फिर तो राजसी मुक्ति आ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं यही तो सजग रहने की जरूरत है। उनके समय में ईश्वर हो हम की बड़ी वृत्ति थी, हम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाले बहुत से लोग थे। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अनुभव की बात है, ये कथन की बात नहीं है। लेकिन उनके समय में ऐसी परिस्थिति थी जिसके विषय में बड़ी बड़े दुखी होकर उन्होंने लिखा अपने कवितावली में, जे मुनि ते मुनि आप ही आप को ईश कहा वो प्रसिद्ध से आने धर्म समय समय कलकाल ग्रसित। वो कहते हैं धर्म को तो कलयुग ने खा लिया। क्यों क्यों खा लिया? अरे कहा जे मुनि ते मुनि आप ही आप को ईश कहा वो प्रसिद्ध से आने। इस कहावत अपने आप को ही अनुभव करते हैं ऐसा नहीं कह रहा। इस कहावत कहलवाते हैं कि मैं ईश्वर स्वीकार करो, क्योंकि साधना की एक विशिष्टावस्था में उस अनंत सत्य से अभिन्नता की अनुभूति तो होती ही है। और गोस्वामी जी को अनुभूति नहीं थी ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उनकी कृति से हमें उनके यथार्थ
अवस्था का बोध होता है, बहुत उच्चतम अवस्था में पहुंचे हुए संत थे। केवल कवि ही नहीं थे, वो क्रांतिदर्शी थे, क्रांतिदर्शी थे वो। और क्रांतिदर्शी होने के नाते उन्होंने मानव विकास की संपूर्ण संभावनाओं को बड़े ही सुव्यवस्थित रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए उन्हें ये ज्ञात नहीं था, इसका अनुभव नहीं था, ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर उन्होंने उस अवस्था का संकेत करना था, वहां पर गया है, ज्ञान दीपक को देख लिया, स्वीकार किया है। तो हम उसमें किसी वृत्ति अखंडा, वो कहते हैं वृत्ति है, हम भी वृत्ति मानते हैं उसे। सो हम अस्मी वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है, क्योंकि जहां तक अनुभूति है वहां तक चित्त की वृत्ति है। और जहां चित्त रहित हो जाएगा, चित्तातीत हो जाएगा, वहां अनुभूति किसकी होगी? कौन अनुभव करेगा, किसका अनुभव करेगा, किससे अनुभव करेगा, कैसे अनुभव करेगा, क्या अनुभव करेगा? चित्तातीत होते ही सौभाग्य से कभी किसी को वो अवस्था प्राप्त हो जाए, चित्तातीत वाली ब्रह्मचक्र से ऊपर चेतना का प्रवाह चल जाए और उस अवस्था में पहुंच करके, तो वहां तक अनुभव करने वाला ही नहीं रहता, तो अनुभव किसका होता? अनुभव करने वाला तो केवल चिदाकाश तक रहता है, इससे ऊपर नहीं रहता। संप्रज्ञात समाधि जिसे कहते हैं, वहां तक अनुभव करता रहता, तभी तो संप्रज्ञात उसका नाम है। लेकिन उससे परे गुरु कृपा, प्रभु कृपा से यदि उससे परे स्थिति क्षण मात्र के लिए भी प्राप्त हो जाए, तो वहां तो न अनुभव करने वाला रहता है और न तो अनुभूत तत्व रहता है, वहां द्वैत रहता ही नहीं, भेद रहता ही नहीं है। उसके विषय में चर्चा करना ही है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि यहां चित्त में मैं का स्मरण होता है, मैं यहां ब्रह्मचक्र में बोध और बोध से मैं का स्मरण हुआ। मैं का स्मरण होते ही इंडिविजुएशन, इंडिविजुअल एंटिटी खड़ी हो जाती है। और जब इंडिविजुअल एंटिटी खड़ी हो जाए, उस अवस्था में यदि वो ये कहते घूमे कि मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो भान व्यक्ति है, ज्ञानी नहीं है। फिर तो ज्ञानी नहीं, उसे ज्ञान का आभास हुआ है, भ्रांति है। इसलिए ईश्वरत्व की अनुभूति स्वयं में अलग बात है। जहां पर सो हम अस्मि ये स्थिति है, वहां पर अहम और सह इन दोनों की अवस्थिति का अनुभव होता है। और यह अनुभव होता है कि मैं उससे हूं, फिर अनुभव होता है कि मैं वही हूं, अनुभव होता है। मैं उसका हूं, मैं उससे हूं, मैं वही हूं, ये तीन अवस्था है। मैं उसका हूं आज्ञा चक्र में चेतना के केंद्रित होने पर ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं उसका हूं। उससे पहले तो मैं उसका भी हूं, उसका ही नहीं उसका भी हूं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत है जिसका। लेकिन आज्ञा चक्र में when you will centralize your consciousness into second chakra,
ये भी मैंने लड़ाई कि दुनिया के जितने संबंध हैं ये तो सब शरीर से जुड़े हुए हैं। मेरे पत्रिका में इसको एक्सप्लेन किया है, जाते सुरनाते पुरे ताते करी पहचान, ये सारे नाते जो हैं जिससे पुनित होते हैं उसे तुमने पहचाने नहीं की और उन नातों को किसी अन्य के साथ प्रयोग रखा। यह जो स्थिति है ये कब आती है, आज्ञा चक्र में जब चेतन पहुंच जाए, नीचे से चेतना का प्रवाह आज्ञा चक्र में पहुंचने पर यह अनुभव होने लगता है। ये तीन अवस्थाएं हैं, प्रवासमी मैं तुम्हारा हूं, दूसरी अवस्था मैं तुमसे हूं और मैं तुम। फिर मैंने कई बार इस बात को समझाया है कि हमारे शरीर में आठ केंद्र हैं, आठ केंद्र, और उनमें तीन केंद्र द्यूलोक में, तीन केंद्र अंतरिक्ष में और दो केंद्र मृतलोक में। हमारे शरीर को तीन भागों में विभाजित किया गया है, नाभि से पांव तक मृतलोक, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष लोक और कंठ से ब्रह्मचक्र तक द्यूलोक। क्योंकि जैसे विराट पुरुष के शरीर का त्रिलोक में विभाजन है, इसी प्रकार से मानव भी तो उसी का एक मॉडल है, सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष। ये पुरुष जो है, मनुष्य जो है, यह परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, प्रतिमूर्ति सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष जो कहता है, ये उसका उसकी प्रतिमूर्ति है। परमात्मा की बराबरी का कोई नहीं है। जहां वेद में कहा गया है नतस्य प्रतिमा अस्ति, वहां प्रतिमा शब्द का अभिप्राय है प्रतिमान, और जहां यह कहा गया है सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, वहां प्रतिमा शब्द का अभिप्राय है प्रतिमूर्ति। दोनों में अंतर है। प्रतिमान का अर्थ होता है उसके बराबर का, और प्रतिमूर्ति का अर्थ होता है उसकी अनुकृति। तो मनुष्य परमात्मा की अनुकृति, परमात्मा के बराबर का नहीं, बराबर का कोई हो ही नहीं सकता। जब तक जो प्रतिमा थी ये सेना जैसा, उसकी बराबरी के कौन हो सकता है, ना तो आपके बराबर ही कोई नहीं है, आपसे महान कौन हो सकता है। न तस्य कार्यं कर्म विद्यते, न तस्य समस्या व्यक्तस्य विद्यते, परासु सक्रिय विद्यते सुयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च विद्यते। तो परमात्मा के समान तो कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा की अनुकृति है। कौन है, क्या मनुष्य प्रतिमा पुरुष है, ये मनुष्य परमात्मा की अनुकृति है। जैसे परमात्मा के इस विराट स्वरूप में तीन लोक है, नाभ्यासिदंतरिक्ष गुम कृष्णो देवहु समवर्तत पद्भ्याम भूमिरंत श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। जैसे परमात्मा के स्वरूप में तीन लोकों की कल्पना, कल्पना कल्पना ही है, कल्पना माने ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये परमात्मा की कल्पना। कल्पना का होता है संकल्प, कल्पना का अर्थ होता है एक प्रकार से स्वीकृति। कल्पना के कई अर्थ हैं, कल्प से यहां पर कल्प शब्द का प्रयोग है, वहां पर इसके अनेकों अर्थ बताए गए। तो यहां पर जो ब्रह्मणोरूप कल्पना है, उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणोरूप कल्पना, वहां भी कल्पना का प्रयोग हुआ है।
तो ये मैं बता रहा था कि मनुष्य जो है परमात्मा की प्रतिमूर्ति प्रतिमूर्ति अनुकृति। इसीलिए तो ऐतरेय उपनिषद में प्रसंग आता है कि परमात्मा ने अपने संकल्प से अनेक जीवों को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि तुम इसमें निवास करो, लेकिन देवताओं ने उसे अस्वीकार कर दिया। आखिर में परमात्मा ने अपनी अनुकृति में अपनी अनुकृति जैसा वह विराट पुरुष था वैसे ठीक उसी प्रकार की अपनी अनुकृति बनाई। और जब उस अनुकृति को देखा तो देवता लोग नाचने लगे, मगन हो गए। सुकृतम एवं क्या कहा, सुकृतम ये तुम्हारी सुंदर कृति, श्रेष्ठतम कृति, उत्तम कृति। तो मनुष्य जो है परमात्मा की, परमात्मा का सुकृत है, तुम्हारी सुंदर कृति। इसीलिए व्यास भगवान ने कहा नहीं मानुषात श्रेष्ठ कर्म की। महाभारत में घोषणा की कि मनुष्य श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कि मनुष्य परमात्मा की अनुकृति, वो जो परमात्मा की अनुकृति है उसमें भी त्रिलोकी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे विराट की त्रिलोकी है ऐसे तो नाभि से नीचे मृत लोग आप सबके लिए अनुकृति है। नाभि से नीचे मृत लोग आप सब जानते हैं कि मर्त तत्व जो है उसका जन्म, उसकी स्थिति और उसका विलय ये सब नाभि से नीचे की क्रिया भी होता है। ये मृत लोग और नाभि से लेकर के कंठ तक ये अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो है ये अमृत लोक है और कंठ से लेकर के ब्रह्मचक्र तक ये जो है ये दिव्य लोक। और इस दिव्य लोक में तीन चक्र है, जब तक वो इसके नीचे है तब तक उसे ऐसा अनुभव नहीं हो पाता। पूर्ण अनुभूति तो दिवलोक में पहुंचने पर ही होती है और दिवलोक में पहुंचने पर तीन प्रकार की अनुभूतियां हैं। पहली अनुभूति प्रवासिनी, दूसरी अनुभूति त्वदेवासी और तीसरी अनुभूति त्वमेवासी। तीन अनुभूति, मैं आपका हूं, मैं आपसे हूं और आखिरी अनुभूति है तुम एव असी, तू ही है, तू ही। संतों ने घोषणा की तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। माने क्या, मैं ही नहीं मेरा का। एक बार में मैंने उस अवस्था में संकेत दिया था, स्थूल तन है पंचभूतों से बना जाना गया, सतरंग मिलाकर इंद्रियों का तान भी ताना गया, चाचर अनेकों भात की है वासना कारणता, कार्य माया के सभी, मैं ही नहीं मेरा कहा। जब मैं का ही अस्तित्व तो नहीं है तो मेरा कहां से आएगा, मेरा क्या होगा। इसलिए ये अनुभव होना, ये अनुभव होना सो अहम अस्मि, मैं वह हूं, ये कोई आश्चर्यप्रद नहीं है, अनर्थप्रद भी नहीं है, ये तो साधन की उच्चतम अवस्था का अवरोधक है। लेकिन ये कहलाना या कहना कि मैं ही ईश्वर हूं ये तो अनर्थकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवुनि देवुनि आपुई आपको इस कहावत, मुझे ही भगवान मान लो, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान नहीं, भगवान तो भगवान है। तो भगवान ने यहां पर हनुमान जी को उपदेश देते समय बात समझाई कि सो अनन्य जाकी असीमति न टरे हनुमंत, ऐसी मति जिसकी टरती नहीं। मति को टरने की संभावना है क्योंकि जब उच्चतम अवस्था में पहुंच करके अनुभव करेगा ईश्वर हम अस्मि तो व्युत्थान की अवस्था में वो अनुभूति तो बनी रहेगी और व्युत्थान की अवस्था में वो उसके प्रयोग में ना लावे ये कैसे हो सकता है। समाधि की अवस्था में जब उसे स्वी की अनुभूति हुई तो उत्थान की अवस्था में उसको यदि वो घोषित करता है तो इसमें अनर्थ क्या है। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, अनर्थ है, अनर्थ है। जब वो अहम ब्रह्मास्मि
का उद्घोष करने लगेगा, किससे करेगा? किससे करेगा? मैं ईश्वर हूं, ये किससे कहेगा? ईश्वर से कहने जाएगा कि मैं ईश्वर हूं? क्या रहा? मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, दूसरे क्या है? यदि वो कहता है कि हम ईश्वर हैं, हम सभी ईश्वर हैं, तो बात बातें नहीं कि किससे कौन कहेगा, ईश्वर ईश्वर से क्या कहेगा? और क्या वो सोचेगा कि ईश्वर अनेक है? यदि ये अनुभव करता है कि नहीं, एक ही ईश्वर अनेक रूप में है, एक ही ईश्वर अनेक रूपों में है, फिर तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता। फिर किससे कहेगा कि मैं ईश्वर हूं? ईश्वर से ईश्वर कहने नहीं जाता कि मैं ईश्वर हूं। इसलिए ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है उस अवस्था में कि जब उत्थान स्थिति में आवे, जो ये अवस्था होती समाधि और मिथ्या चलना, तो जब समाधि अवस्था में है तो ईश्वर के साथ अभिन्नता की अनुभूति, और जब उत्थान अवस्था में आवे हो, जहां मैं का स्फुरण हो, वहां ये स्वीकार कर ले कि मैं तो प्रभु का सेवक, कि मैं सेवक है, मैं में स्वामित्व की भावना यदि आ गई, वही वो अनर्थकारी हो जाएगा, फिर अनन्यता समाप्त हो जाएगी, वह अन्य खड़ा हो जाएगा। जहां मैं में स्वामित्व की भावना आई, वही अन्य खड़ा हुआ। मैं ईश्वर हूं, बाकी सब जीव है। एक महात्मा है दर्शन मिलने, तो चर्चा करने लगे, तो उन्होंने बातचीत में कहा, ये जो संसार में असंत लोग हैं, पतित लोग हैं, इनका उद्धार तो संत लोग ही कर सकते हैं। मैंने उसने कहा, आपका क्षमा करना स्वामी जी, जब संत की स्थिति आती है कोई पतित नहीं रहता, और जब तलक पतित की दृष्टि बनी रहती है तब तो तलक संत नहीं है। क्या समझे? जब तक ये दृष्टि बनी है कि इन पतित जीवों का उद्धार करना है, तब तक कभी संत नहीं बना, और जब वो संत बन जाएगा तो उसके दृष्टि में कोई पतित होगा ही नहीं, उद्धार किसका करेगा? पतित की दृष्टि कब तक रहती है? जब तक कि सही माने में उसे यथार्थ का बोध नहीं हुआ, और जब यथार्थ का बोध हो गया तभी तो संत बनेगा, क्योंकि महात्मा की व्याख्या भगवान ने स्वयं की है, महात्मा नस्तमाम पार्थ दैवी प्रतिमा सता भजत तनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादि मद्वयम्। तो जो संपूर्ण प्राणियों के आदि रूप में परमेश्वर का दर्शन करेगा वही तुम्हारा बनेगा, संत बनेगा। तो जब संतत्व की स्थिति आती है तो कोई पतित नहीं रहता, और जब तक पतित की दृष्टि है तब तक अभी वो संत बना ही नहीं, उसका उद्धार क्या खाक करेगा, हंस करेगा। इसलिए संत किसी का उद्धार नहीं करता, वो तो प्रभु की सेवा करता है, कि मैं सेवक सचराचर हूं स्वामी भगवान, ये चराचर मेरे प्रभु की अभिव्यक्ति है, उसकी सेवा में स्वयं को समर्पित रखता है, उद्धार किसका करेगा? उद्धार करता तो एक है जिसने घोषणा की है, तेषां हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेदिता। ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, वो जिसके हृदय में ऐसी अनन्यता प्रतिष्ठित हो गई है, भगवान कहते हैं तेषां एव अंकम पार्थम हम अज्ञान जम तमः ज्ञास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासते। परमात्मा परमात्मा प्रदत्त, परमात्मा द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के प्रकाश में अब उसके संशय संदेह मोह और मोह का कारण जो अविद्या है वो समूल अब नष्ट हो गई, नष्ट माने लीन हो गई अपने कारण, कहां से उत्पन्न हुई? वहीं से उत्पन्न हुई,
एक संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इसके लिए, कहा कि एक व्यक्ति हाथ में दीपक लिए खड़ा हुआ, टार्च लिए, उन्होंने टार्च की उपमा, हाथ में टार्च लेकर खड़ा हुआ है, वो दिखा रहा है टार्च की रोशनी में लोग देख तो रहे लेकिन टार्च वाले को नहीं देख रहे, वो कौन है। जब किसी ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें इस अंधकार से मुक्त कर प्रकाश प्रदान करने वाले आप कौन हो, जरा आप अपने आप को भी बता दो, तो उसने उस टार्च की लाइट ऐसे कर ली, ऐसे कर दी, मैंने अपनी तरफ घुमा लिया। यदि वो अपनी तरफ घुमा ले तो तुम उसे देख लोगे, और यदि अपनी तरफ न घुमा ले तो उसकी लाइट तो बाहर ही जा रही है। तो बात सही में यही सत्य है, यही सत्य क्यों है, कहा सृष्टि का प्रकाश ऐसा है, सृष्टि का नियम ऐसा है। उपनिषद में एक मंत्र है, परां तिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू तथा परां पश्यतिनांतरात्, ये लाइट दिखाने वाले ने ऐसा मुंह बना रखा है जो बाहर ही लाइट जाती अंदर जाती नहीं, ऐसा उसने मुंह बना रखा है, तथा परां पश्यति, वो बाहर ही लाइट जा रही उसकी अंदर जाती नहीं। अरे जिसने तुझे सारी दुनिया को तुम देख रहे हो, क्या वो नेत्र तुम्हें अपने आप को दिखाने में सक्षम है, नहीं है ना, नहीं देख पाते। तो लाइट का फोकस जो है वो तो बाहर की तरफ ही है, तथा परां पश्यति नान्तर आत्मा, अंदर तरफ देख ही नहीं पाता। कोई गुरु कृपा का भाजन बन जाए, प्रभु कृपा का भाजन बन जाए, मीरा की तरह ये घोषणा कर दे उलट भई मेरे नयनन की, क्या कहा उसने, उलट भई मेरे नयनन की, मेरी आंखें जो बाहर देखती थी अब बाहर नहीं देखती हो, वो उलट गई अंदर की तरफ देखने लगी है गुरु कृपा से। रागी लगन गुरुचरण की उसमें उसने कहा उलट भई मेरे नयनन की, आंख मेरे उलट गई अब अंदर दिखाई देने लगा, अब बाहर नहीं दिखाई दे, बाहर तो मेरे प्रियतम प्रभु सर्वस्व सर्वेश्वर है। इस स्थिति को प्राप्त हुआ जो संत है, भगवान का जो कृपा भाजन है, वह अब यथार्थ दर्शी हो गया है, और यथार्थ दर्शी हो जाने पर अब उसके लिए संसार में सिद्धि की घोषणा है, तत्र को वह स्पष्ट का ही तत्व मन कर सकते, सर्वत्र उसके समक्ष एक सत्ता की अनुभूति हो रही है, इसलिए अब उसे बोल कहां रहा सो। विश्व में शांति की आजकल बड़ी चर्चा, अशांति से सभी घबराए हुए हैं, लेकिन विश्व में अशांति किसके द्वारा फैलाई गई, और जब हम विश्व शांति की चर्चा करते हैं किसके विषय में करते हैं, वृक्षों को अशांति है, वनस्पतियों को अशांति है, या अंतरिक्ष को अशांति है, किसको अशांति, या पृथ्वी को अशांति है, या दुनिया में जो कुछ अशांति है किसकी दी हुई है, अशांति का मूल स्रोत कौन है, परमात्मा। दो ही शक्तियां हैं सृष्टि में, एक तो परमात्मा और दूसरे परमात्मा के अच्छे बच्चे, श्रेष्ठ दुनिया में दो ही है, मैन इज द नेक्स्ट टू गॉड है, एक तो परमात्मा और एक परमात्मा का बच्चा मनुष्य, नेक्स्ट टू गॉड है तो यही है, बाकी तो इसे बेचारे नीचे। और जो परमात्मा से प्रोजेक्ट शक्तियां हैं वो तो दिव्य है, उनमें कभी अशांति आती ही नहीं, वो तो हमेशा शांत है। फिर जब हम अशांति की बात करते हैं तो अशांति क्या है, परमात्मा में शांति है नहीं, अशांति है नहीं, वो तो शांत स्वरूप है, उसके लिए तो शांतम शिवम अद्वैतम, वो तो शांत है, शिव है अद्वैत है, वहां अशांति नहीं है। और उससे उद्भूत जो देवता है उनमें अशांति नहीं, वो तो शांत ही शांत। तो शांति और अशांति की कल्पना जब हम करते हैं तो मनुष्य ही हमारे सामने आता है, मनुष्य यदि अशांति क्रिएट करता है तो सारे उससे नीचे जीव रहने वाले जितने जीव हैं
सब अशांत हो जाते हैं। मनुष्य ने पशुओं को अशांत कर रखा है, पक्षियों को अशांत कर रखा है, यहाँ तक कि जलीय जीवों को अशांत कर रखा है। मूर्खों ने पिछले साल देखे नहीं, पेट्रोल डुबो दिया टैंकर गई और लाखों में करोड़ों की तादाद में जलीय जीव तड़प करके मर गए युद्ध में गोल्फ के। ये किसके शांति नहीं हुई है? मनुष्य। तो अशांति का मूल स्रोत कौन है? मनुष्य का। मनुष्य तो परमात्मा की अनुकृति है, ये अशांति का मूल स्रोत कैसे हो सकता है? क्या यदि इसकी बुद्धि स्वस्थ रहे तो ये शांति का मसीहा है, और यदि बुद्धि इसकी अस्वस्थ हो जाए तो अशांति का मूल कारण राक्षस ही बनता है। अशांति में कारण कौन बनता है? वही नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्यन्ते नराधमा माया कृतज्ञाना आसुरी भाव। आसुरी भाव का आश्रय ले ले तो दुनिया में अशांति अशांति है। अब इस अशांति को यदि दूर करने से करने के लिए कोई प्रयत्नशील है उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे पूर्व के ऋषियों ने मनुष्य के पूर्ण मनुष्य मनुष्य पूर्ण है मनुष्य के अंतर में महान शक्ति का अनुभव किया, और उन्होंने कहा कि अपने संकल्प से मनुष्य सारे विश्व को शांति प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। तभी तो ऋषि प्रार्थना करता है वेद में, ओम देवो शांति अंतरिक्ष गुरुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति। ये शांति की कल्पना करने की उसे क्या जरूरत पड़ी? क्या उस अवस्था में वह ऋषि विश्व के साथ एक होकर के और अपने विश्व रूप में सर्वत्र शांति की कल्पना कर रहा है? और शांति है वह शांति, यहां तक कि वह शांति के लिए भी शांति की कल्पना कर रहा है। तो मनुष्य ही अशांति का बीज है, विकृत बुद्धि मनुष्य की अशांति का बीज बन जाती है और स्वस्थ बुद्धि शांति में हेतु होती है। तो यदि विश्व में अशांति से आप भयभीत हो तो अशांति का मूल बीज कारण व्यक्ति है, व्यक्ति व्यक्ति मतलब मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड you should try to create peace in the human mind first. If human mind is stable and pure, then he will be source of peace. Yadi manushya ka mastishk शुद्ध है और शांत है तो दुनिया में उस शांति का स्रोत बन जाएगा, उससे शांति प्रवाहित होगी और दुनिया के अन्य जीव उस शांति से सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि आप जानते हो हमारे यहां संत और योगी इनके लक्षण बताते हुए क्या बताया गया? हिंसक प्राणी भी उसके निकट जाकर अपने हिंसा वृत्ति का त्याग कर देते हैं। हिंसा प्रतिष्ठायाम प्रतिनिधौ वैरत्याग। हिंसक प्राणी भी उसके बाद क्या लिखते हैं? खगहा करी हरि बाघ बरा। खगहा करी हरि बाघ बराहा और कितने रामायण पढ़ने वाले खगहा। खगहा माने
खगा करी हाथी हर शेर बाघ और बड़ा, ये जो जीवों का नाम लिया तो उसका ये एक दूसरे के दुश्मन है, एक सब दूसरे के दुश्मन है। जैसे कहते हैं ईट कुत्ते की भय सांप मेरे दुश्मन, ये एक दूसरे के शत्रु है। खजा करी हरि बाघ बराहा एक महिष रिच साज सराहा बैर बिहार चरण एक संगा, ये सब बैर बिहार चरण एक संगा मानव चपल खेल चपल और सहज बैर सब जीवन त्यागा। जब दिव्यता का आविर्भाव होता है संदेश, जब व्यक्ति में दिव्यता का वस्तु में दिव्यता का अनुभव होता है तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है का सहज बैर सब जीवन त्याग फिर पर सकल करें सब अपने सहज बैर को बैर बिहार करेंगे कंगा, इनका सहज बैर दूर हो जाता। लेकिन याद रखना मनुष्य का नहीं होता, सब प्राणियों का तो हो जाता है मनुष्य का नहीं होता। कहते भगवान बुद्ध जहां जाते थे जिस जंगल में रहते थे उसका पता कैसे लगता था, कहा ये हिंसक प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते। जिस बुद्ध की उपस्थिति में हिंसक प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते थे उन्हीं बुद्ध का अपना सगा भाई संबंध अपनी हिंसा वृत्ति नहीं छोड़े। और भगवान बुद्ध जब वृद्ध बूत पर राजगृह में ध्यान अवस्था में स्थित थे